गेहूं का आटा, सूजी, चावल का आटा, इस तरीके के नाश्ते आपने पहले बहुत बार बनाए होंगे, पर कभी आपने दलिये से बना नाश्ता ट्राई किया है, जो कि इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है और इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है कि अगर आप गर्मी की छुट्टियों में जा रहे हैं तो इसको सफ़र के लिए ले सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया, उसमें ऐड करेंगे 1 कप भर के दलिया। इसकी क्वान्टिटी है 250 ग्राम के करीब। अब उसी कप से मेजरमेंट करके हम यहाँ पर 1 कप गर्म पानी डालेंगे। आप चाहें तो ठंडा भी डाल सकते हैं, पर अगर आपको फटाफट ये रेसिपी बनानी है तो गर्म पानी का ही यूज़ करें। अब इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दलिया अच्छे से सोख हो चुकी है। तो अभी हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और सारे दलियों को पानी सहित इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से क्या होगा कि हमारे दलिया का पेस्ट एकदम स्मूथ बनेगा। अब यहाँ पे तीखेपन के लिए 3 से 4 हरी मिर्ची, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 पिंच अदरक का और 1 चम्मच जीरा डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया। देख सकते हैं मैंने थोड़ा इसको गाढ़ा ही रखा है, बहुत पतला नहीं रखना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप भर के उबले हुए आलू, 1 कप के करीब पत्ता गोभी यहाँ पे कट किया हुआ, 1 कप गाजर और यहाँ पे 1/2 कप मैंने कैप्सिकम कट करके यूज़ किया है। आप चाहें तो जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर या चाट मसाला पाउडर और यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने बैटर बनाया है दलिये का, उसके साथ ये सारी सब्जियां और मसाले इक्वल तरीके से मिक्स हो जाएं, जिससे क्या होगा कि जब हम इसको बनाएंगे तो इसकी हर एक बाइट में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर इस स्टेज में आपको ये बैटर या मिक्सचर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी या नॉर्मल पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुका है तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल गर्म होने के लिए पैन में चढ़ा दिया था। आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। डीप तो ये भी रहेगा बट बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं रहेगा। आप चाहें तो पूड़ियों के जैसे इसको तल सकते हैं। तो अब हम 1-1 चम्मच करके इसको थोड़ा सा राउंड शेप या जो भी तरह का आप शेप देना चाहें उस तरीके से इसको पैन में डाल देंगे ताकि ये पूरे तरीके से चारों तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो। तो अभी 1 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसका नीचे के साइड थोड़ा सा गोल्डन कलर हो गया है। तो अभी इसको हम पलट देंगे अच्छे से और याद रखिए कि आप इसमें थोड़ा सा तरी वाला स्पैचुला लीजिए, क्योंकि ये दलिये से बनाया तो हल्का कभी कभी हो सकता है आपका तेल कम गर्म हो तो ये थोड़ा सा चिपक भी सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मीडियम फ्लेम में इसको पकाइए जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पलट पलट के इसको अच्छे से पका लिया। इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी है बनके तैयार हुआ है। मेरा तो अभी इसको खाने का मन कर रहा है। आई होप आपको भी ये देख के ज़रूर बनाने का मन कर रहा होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होता है। इसको आप अपने सफ़र में या बच्चों के लंच बॉक्स में या किसी पार्टी स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। तो ये रहा तेल वाला नाश्ता। अब मैं आपको 1 चम्मच तेल में कैसे इस रेसिपी को बनाना है उसका आइडिया बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन में हम तेल को ग्रीस कर लेंगे। इस वजह से ग्रीस करेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं वो इसमें डाल लीजिए। तो अभी इसके बैटर को अच्छे से पतला या मोटा जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से इसको फैला देंगे। फिर ढक के 1 से 1.5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक पकाएंगे या तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके नीचे की परत हल्की गोल्डन कलर की या डार्क जैसा आपको कलर चाहिए उस तरीके की नहीं हो जाती। फिर इसको हम पलट के स्पैचुला से दबा दबा के नीचे का साइड भी गोल्डन कलर या क्रिस्पी आने तक पका लेंगे। तो ये हमारा कम तेल वाला भी नाश्ता बनके तैयार है और उधर ज़्यादा तेल वाला नाश्ता बनके तैयार है। और ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, इतना ज़्यादा डिलीशियस बनता है कि अगर एक बार आप इसको बनाएंगे तो देखना बच्चे बार बार यही खाने की जिद करेंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा तेल में आप बना सकते हैं इस नाश्ते को। और अगर आपको हेल्दी खाना पसंद है तो इसको बिल्कुल 1/2 चम्मच तेल में इस नाश्ते को बना सकते हैं और ये टेस्ट वैसा ही दोनों का रहेगा। अगर आप इस टाइम पे गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं कहीं तो इसको अपने
ट्रेन के लिए, सफ़र के लिए इसको ज़रूर बनाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नाश्ता कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और इतना ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी रहता उतना ही सॉफ्ट। तो ये देखिए, सुना आपने इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बन रहा है और ये अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और इसको आप किसी भी चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए, सफ़र में भी लेके जाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक करना और जब भी इस रेसिपी को अपने घर पे बनाना और अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और मेरी रेसिपी या आज की रेसिपी मेरी अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।